गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित साहू आज आपके लिए लेके आया हूँ फिर से हमारा डेली करंट अफेयर्स, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे बैंक्स, SSCs, रेलवे एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हैं सभी के लिए। तो स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर डेली करंट अपडेट्स। दोस्तों, अगर आप सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जैसे ग्रुप डी, NTPC, SSC या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल की, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है परीक्षा ऐप की तरफ से। फ्रेंड्स, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके साइन अप कर लेना है। और साइन अप करने के बाद दोस्तों, आप जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो उसका कोर्स को परचेज कर लेना है, जो कि बहुत ही चीप, बहुत ही कम दरों पर अभी अवेलेबल है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर कोई कोर्स को परचेज करते हो तो हमारा प्रोमो कोड अगर यूज़ करते हो जो कि है आयुष50, तो दोस्तों आप इस प्रोमो कोड को यूज़ करके और भी 50% का डिस्काउंट पा सकते हो कोई भी कोर्स अगर परचेज करते हो। यहाँ पर दोस्तों, आपको हर एग्ज़ाम के लिए 30+ ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको करंट अफेयर, डेली जॉब अलॉट सब कुछ दोस्तों आप अवेलेबल है, जो कि अभी के समय में 1 मिलियन से ऊपर लोग इसको डाउनलोड करके इसका बेनिफिट ले रहे हैं। डाउनलोड कीजिए परीक्षा ऐप को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो टुडेज नेशनल डे इज दैट टुडे वी सेलिब्रेट एज नेशनल यूथ डे ऑन 12th January। सो नेशनल यूथ डे हम लोग मेनली हम लोग क्यों मनाते हैं? सो नेशनल यूथ डे मनाने का मतलब है कि हम लोग उस दिन हमारे जो आइडल जो थे स्वामी विवेकानंद, उनके थॉट्स को लेके, और साथ ही साथ आज के दिन हमारे स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी भी है। सो जो स्वामी विवेकानंद ऑलवेज फोकस्ड इमेंसली ऑन द हार्सनिंग द पोटेंशियल ऑफ द यूथ, जो हमारे यूथ्स हैं, जो हम लोग हैं, उनके जो एबिलिटीज उनको तराशने में, क्योंकि जितना तराशोगे इतना शाइन करोगे। तो ही ऑलवेज वॉन्टेड टू इंस्पायर द यंग जनरेशन सो डैट दे कुड काउंटर द ब्रिटिश एंड अटेंड इंडिपेंडेंस। तो ये होगी उस समय के बाद, पर आज के टाइम पे इंडिपेंडेंस का भी अभी भी मेन इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो यूथ कंट्री है, जहाँ पर ज़्यादातर यूथ का पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो स्वामी विवेकानंद वेपन्स ऑफ विनिंग द वर्ल्ड विद एजुकेशन एंड द पीस। हर्षवर्धन लॉन्चेस कोस्टल रिसर्च वेसल सागर एनवेसिका। सो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हर्षवर्धन हैज लॉन्च अ कोस्टल रिसर्च व्हीकल दैट इज CRV सागर अन्वेषिका एट द चेन्नई पोर्ट। सो द व्हीकल विल बी यूज टू कैरी आउट द एनवायरमेंट इंडेक्सिंग एंड द पैथमेटिक इट्स मैपिंग अंडर वाटर फीचर्स, के जमीन के जो पानी है वो कैसा है इन बोथ द कोस्टल एंड द ऑफशोर वाटर्स, मतलब प्योर है, इनप्योर है, कितना डेप्थ में है, क्या है। एंड इट विल बी यूज फॉर द रिसर्च पर्पसेज बाई द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी दिस NIOT एंड हैज़ बिन बिल्ड बाय द टीटागढ़ वैगन्स कोलकाता वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल वालों ने कुछ तो मस्त बनाया है। सो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का डायरेक्टर है हमारा डॉक्टर GA रामदास एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर्स है हमारा चेन्नई तमिलनाडु में। इंडोनेशियन जेटलाइनर क्रैशेस इनटू द सी आफ्टर द टेक ऑफ। ये एक दुखद समाचार मैं आपको बता रहा हूँ एक टाइप का, लेकिन ये हमारे करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अ इंडोनेशियन जेटलाइनर जो है क्रैश हो गया इनटू सी जस्ट टेक ऑफ के बाद ही। सो अ पैसेंजर प्लेन ऑफ इंडोनेशियन श्री वाजिया एयर कैरिंग 62 पीपल ऑन द बोर्ड क्रैश इनटू द वाटर्स ऑफ जकार्ता एंड द बोइंग 737-500, ये हमारे प्लेन का नाम है, द बोइंग 737-500 वाज ऑन द एस्टिमेटेड 90 मिनट्स फ्लाइट फ्रॉम जकार्ता टू पोटिनाक कैपिटल ऑफ द वेस्ट कालिमतन प्रोवेंस ऑन द इंडोनेशियन बोरिनियो आइलैंड। सो कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया हमारा है जकार्ता एंड द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज इंडोनेशियन रुपया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया जोको विडोडो। प्रीति पैट पैनल टू स्टडी एडवर्स फाइंडिंग्स ऑफ द NFHS-5। सो द हेल्थ एंड द फैमिली वेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ रिसेंटली है जो एक फॉर्म क्या है, टेक्निकल एक्सपर्ट जो उसमें माहिर होता है, ग्रुप टू एडवर्स फाइंडिंग्स फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। और जो मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री हैज़ बीन सेट अप द टेक्निकल कमेटी ऑफ मेडिसिन एंड द न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी प्रीति पंत। तो प्रीति पंत जी के अंदर में ये मिनिस्ट्री फॉर्म किया गया, जो कि कमेटी है जो कि मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन की एक्सपर्ट होगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। IREDA दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी
NHPC partnership in the green energy products. So NHPC has signed a memorandum of understanding with the Indian Renewable Energy Development Agency for providing assistance in setting up the renewable energy projects for the next 5 आगे आने वाले 5 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है. एंड द एग्रीमेंट वॉज साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ द अभय कुमार सिंह NHPC CMD IRDA CMD प्रदीप कुमार दास. मोदी कॉलिंग बुक, द मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 बुक हैज बीन रिलीज. सो द कॉफी टेबल बुक नेम द मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 हैज बीन रिलीज ऑन द ओकेजन ऑफ 16th प्रवासी भारतीय दिवस. और जो बुक है, द बुक कंटेंस वेरियस फोटोग्राफ्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो भी कितना कैप्चर ड्यूरिंग द 1/07 ओवरसीज एंड द बायलैटरल विजिट्स. मतलब हमारे प्रधानमंत्री जितने जितने जगह जगह पर गए, जो भी काम किए, उन सबका इमेज होगा. एंड द बुक इज द आइडिया ऑफ द बीजेपी लीडर विजय जौली एंड इट वॉज रिलीज बाय द आदेश गुप्ता द बीजेपी प्रेसिडेंट. एंड द बुक हैज बीन पब्लिश बाय द मनीष मीडिया एंड हैज 450 पेजेस. टोटल कितने पेजेस होंगे? 450 पेजेस. हर पेजेस में थाउजेंड्स ऑफ फोटोग्राफ्स होंगे ऑफ द PM मोदी. और साथ ही साथ हमारे जो विजय जौली है, हैज सेड दैट ही विशेस टू फॉर्म अ सिमिलर बुक ऑन द राहुल गांधी एंड दैट CM अरविंद केजरीवाल. जापान कमिट्स रुपीज 2,113 करोड़ सपोर्ट्स फॉर द कोविड रिलीफ एफर्ट्स. सो द गवर्नमेंट ऑफ जापान जो है कमिटेड बोला, वादा किया है टू द ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस नोट फॉर द 30 billion जापानीज येन. कितना? 30 billion जापानीज येन, जो कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली होता है 2,130 करोड़ रुपीज़, फॉर अ प्रोग्राम नोन टू सपोर्ट इंडिया एफर्ट्स एट प्रोवाइडिंग सोशल असिस्टेंस टू द सोशल मदद होगा टू द गरीब लोगों का एंड द वनरेबल हाउस होल्ड, जो कि घर जो ज़रूरतमंद होंगे, सीवियरली इम्पैक्टेड होंगे विद द COVID-19 पैंडमिक्स. सो जापान का कैपिटल हमारा है टोक्यो, जापान करेंसी है जापानीज येन, एंड जापानीज के हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा. जो बाइडेन नेम्स टू इंडियन अमेरिकन्स इन द US नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. सो द US प्रेसिडेंट इलेक्ट्स जो बाइडेन. सो US प्रेसिडेंट जो बाइडेन इलेक्ट्स नेम्ड एज द इंडियन अमेरिकन सोमोनो गुहा एज द सीनियर डायरेक्टर फॉर द साउथ एशिया एंड द तरुण छाबर एज द सीनियर डायरेक्टर ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द नेशनल सिक्योरिटी. सो जो बाइडेन जो हमारे US के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुझे लगता है उन्होंने कुछ ठान लिया कि वो इंडिया वाले लोगों को, जो इंडियन अमेरिकन है जो कि अमेरिका में जगह सेटल हो गए हैं, तो उन लोग के लिए वो कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इंडियंस को बढ़ावा दे रहे हैं. तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे इंडिया वाले लोग इंडिया में ही सिर्फ नहीं, बाहर US जैसे बड़े कंट्री में भी पॉलिटिक्स में वो भी इंटर में है और इतने बड़े बड़े पोजिशंस में हैं. अभिषेक यादव, सो हमारे जो अभिषेक यादव है, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द AIFF फर्स्ट डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी. सो द फॉर्मर इंडियन स्ट्राइकर अभिषेक यादव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आफ्टर द स्पोर्ट्स बॉडी डिसाइडेड टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट ऑन इट्स हायरार्की. सो हमारे जो अभिषेक यादव जी हैं, वो इस चीज को हैंडल करेंगे. सो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट है हमारे प्रफुल्ल पटेल जी एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हमारे शुरबत दत्ता. एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फाउंडेड वॉज इन ईयर 1937 23rd June. और साथ ही साथ हमारा जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स है, वो हमारा द्वारका दिल्ली में. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए. तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय.